तो गाइज वेलकम बैक टू फूड जंक्शन। सो गाइज आज हम आपको ले आए हैं विश्वास नगर के अंदर फैमिली डोसा ट्राई करवाने। भैया क्या डाल दिया आपने? रिफाइंड। तो गाइज रिफाइंड ऑयल डाल दिया उन्होंने। तवा देख सकते हैं कितना बड़ा तवा है, इसमें बनेगा हमारा बिगेस्ट डोसा। ये देखिए गाइस, ये भैया किस चीज का बैटर है? ये राइस के। राइस का बैटर है। तो गाइस ये राइस का बैटर है और देख सकते हैं ये हमारा डोसा बनने के लिए रेडी हो गया। और ये देखिए गाइस पूरा जो बैटर है इसको स्प्रेड कर देंगे। भैया डोसे का प्राइस क्या है? $250। सो भाई 250 रुपये इसका प्राइस है। और ये देखिए हमारा डोसा, पूरा आप तवा देख सकते हैं, पूरा तवा देखिए कितना बड़ा डोसा है। और ये देखिए साइड से इसको कर देंगे कवर ताकि जो डोसा है अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये देखिए ये देखिए ऊपर से इन्होंने डाल दिया रिफाइंड। 250 की कॉस्ट है। भैया यहाँ के टाइमिंग्स क्या है? 2 बजे से शाम को भी दोनों। अच्छा अच्छा। सो गाइस सुबह 9 बजे से लेके अभी का जो कर्फ्यू का टाइम है वो 10 बजे तक है, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। वैसे अगर नॉर्मल डेज में जो जिनका टाइमिंग था सुबह 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, 11 बजे तक ये आउटलेट ओपन रहता है। तो आप लोग भी आकर ट्राई कर सकते हैं, इनके पास डोसे के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन है। भैया 7 डेज ओपन रहता है आपका आउटलेट? तो भाई 7 डेज ओपन रहता है। ये आपको मिलेगा साउथ इंडियन मद्रास कैफे में जो कि लोकेटेड है विश्वास नगर के अंदर। भैया यहाँ का नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है, कैसे आ सकते हैं? हाँ B2 हाँ क्या है B2 हाँ विश्वास नगर ओके ओके 7 फुटा रोड। सो भाई 7 फुटा रोड विश्वास नगर में है ये मद्रास कैफे। तो आप लोग भी आके ट्राई कर सकते हैं इनका ये बिगेस्ट डोसा। देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा। और ये देखिए अब ये जो है इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया इन्होंने ऊपर से। और ये देखिए गाइस डोसा, देखिए कितना बड़ा डोसा है ये। अब देखिए इसको कर दिया इन्होंने फोल्ड। और ये देखिए 2 प्लेट के अंदर इसको रख देंगे। अब जो है इसका मसाला बनाया जाएगा वो भी आपको दिखा देंगे। देखिए गाइस कितना बड़ा डोसा है, देख सकते हैं कितना बिगेस्ट डोसा है। अब भैया मसाला बनाओगे? ठीक है ठीक है। गाइस ये डाल दिया इन्होंने प्याज, प्याज टमाटर है इसके अंदर, प्याज और टमाटर है। और अब देखिए ये डालेंगे पनीर। और देखिए कितनी बढ़िया क्वांटिटी के अंदर इन्होंने पनीर डाल दिया इसमें। भैया कितने ग्राम जाता होगा पनीर? 200 ग्राम। तो भाई 200 ग्राम आराम से पनीर जाता है इसके अंदर। और काफी रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं, काफी जगहों पे बहुत महंगा होता है ये डोसा, बिगेस्ट डोसा। ये आपको 250 के अंदर मिल रहा है। ये देखिए इन्होंने इसके अंदर आलू की स्टफिंग ये जो है, आलू की स्टफिंग जो है डाल दी है इसके अंदर। और देख सकते हैं अब जो है मसाले, भैया मसाले बता देना एक बार हमें कौन से कौन से। ओके ओके ये साउथ इंडियन मसाला है इनका जो कि टेस्ट बढ़ाता है। और ये क्या डाला आपने? ये टमाटर की ग्रेवी डाल दी जो कि काफी बढ़िया लग रही है दिखने में और काफी ज्यादा टेम्पटिंग सी लग रही है, देख सकते हैं आप। और ये ऊपर से धनिया डाल दिया इन्होंने। और अब जो है इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइस स्टफिंग जो है इसकी वो अलग से दी जाती है, डोसे के अंदर स्टफिंग किया जाता है इसको।
भैया हो गई है। तो भाई ये हमारी स्टफिंग जो है रेडी हो चुकी है, अब इसको डलवाया जाएगा प्लेट के अंदर। अब इसको बड़ी वाली करनी है। तो भाई ये देखिए कटोरी के अंदर देखिए स्टफिंग डाल रहे हैं, और पूरी जो स्टफिंग है देख सकते हैं पूरी कटोरी भर गई है स्टफिंग से। ऊपर से डाल दिया इन्होंने धनिया, और ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है रेडी हो चुकी है। तो भाई ये देखिए ये है इनका सांभर, जिसके अंदर से बढ़िया खुशबू से आ रही है मुझे, देख सकते हैं। भैया डालना है इसको, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है सांभर। तो एक बार जलवा लेते हैं, भैया डाल दो कटोरी में। ये देखिए गाइस ये जो आपका बिगेस्ट डोसा है, ये कितने लोग खा सकते हैं? ये चार बंदे खाएंगे, चार लोग आराम से खा सकते हैं। 250 रुपए का डोसा काफी रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं। देखिए हमारा सांभर डल चुका है, और ये आ गई ये कौन सी चटनी है? ये नारियल की चटनी है। भैया टमाटर वाली चटनी भी होती है ना? अच्छा उसके ना लहसुन वगैरह डलता है? लहसुन टमाटर। अच्छा अच्छा, तो गाइस अभी नवरात्रों का टाइम है, तो वो नवरात्रों के बाद मिलेगी। और ये देखिए मेरी सांभर की प्लेट आ चुकी है। तो गाइस एक बार डोसा भी ट्राई कर लेते हैं, और सांभर भी इनका ट्राई कर लेते हैं, इनकी चटनी भी ट्राई कर लेते हैं, आपको टेस्ट बता देते हैं इनका टेस्ट कैसा है। सो गाइस ये मेरा डोसा आ चुका है, आप साइज देखिए कितना बड़ा साइज है, चार लोग मिलकर इस डोसे को खाते हैं। तो देख सकते हैं आप ये जो है इन्होंने स्टफिंग दी है, स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी का स्टफिंग दी है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको ये डोसा मिल रहा है देख सकते हैं। और ये इन्होंने सांभर दिया, और साथ में इन्होंने दिए कोकोनट पनीर रखी। तो मैं इनका ट्राई कर लेता हूँ, आपको टेस्ट बता देता हूँ। पनीर की क्वांटिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं आप पूरा पनीर ही दिख रहा है इसके अंदर, पनीर की क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और जो है ये देखिए सांभर, तो थोड़ी सी डाल लेते हैं इनकी चटनी। तो गाइस एक बार ट्राई कर लेते हैं, टेस्ट बता देते हैं। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लोडेड है पनीर की, प्राइस काफ़ी बढ़िया आ गया मुझे। तो 250 की बात है, तो आप लोग भी आ सकते हैं साउथ इंडियन मद्रास कैफे में, जो कि लोकेटेड है विश्वास नगर के अंदर। मैं आपको इनका नियरेस्ट लैंडमार्क उनका आउटलेट दिखा देता हूँ कहाँ पे। तो गाइस ये है साउथ इंडियन मद्रास कैफे, जो कि लोकेटेड है विश्वास नगर के अंदर। सो इनका जो नियरेस्ट लैंडमार्क है वो है ये मंदिर है सामने विश्वास नगर के अंदर, आप किसी से भी पूछ लेंगे इस शिव मंदिर के नाम से। तो आप इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा मद्रास कैफे। तो गाइस आप लोग भी आ सकते हैं ट्राई करने के लिए यहाँ पे, इनके यहाँ पे बिगेस्ट डोसा। अगर आप लोग आए तो हमें कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ का ये डोसा कैसा लगा। तब तक आप जाकर हमारे फूड जंक्शन पेज को फॉलो कर लो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।